हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी नॉलेज को हर दिन बढ़ा रहे होंगे फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारी हेल्थ केयर हेल्थिटेशन बॉडीज के ऊपर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम हेल्थ केयर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिटेशन देने वाली बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अब तक हम बात कर चुके हैं एन ई बी और जे के बारे में अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारी पिछली क्रेडिटेशन वीडियो को नहीं देख पा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी इस प्ले प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिए क्योंकि इससे दोस्तों आपकी और को लेकर जानकारी और ज्यादा बढ़ेगी। फ्रेंड्स आज हम एक और के बारे में एग्जिस्टिंग बॉडीज के बीच अपनी जगह बना रही है क्वालिटी एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट की दोस्तों क्यू ए आई की शुरुआत हुई थी साल 2018 में बाय फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर बी के राणा सर दोस्तों साल 2018 में ही ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है और इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि आप भी जानकर चौक जाएंगे दोस्तों क्यू की शुरुआत की गई थी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट और अक्रेडिटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए फ्रेंड्स क्यू के एसोसिएट पार्टनर की बात करें तो इनमें शामिल है एशिया पैसिफिक अक्रेडिटेशन कोऑपरेशन आई एस क्यू यू ए जिसके बारे में आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर टेलीमेडिसिन एंड ई हेल्थ दोस्तों अभी के समय में हॉस्पिटल हॉस्पिटलेशन के लिए हॉस्पिटल ऑनर्स एनए और लैब अक्रेडिटेशन के लिए लैब ऑनर्स एन ए के लिए, लिए अप्लाई करते हैं लेकिन क्यू ने ये दोनों ही अक्रेडिटेशन प्रोसेस एक साथ शुरू की है और अपने स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया है दोस्तों आपको बता दें की क्यू के चार डिवीजन है जिनमें शामिल है सीई टी सी एल ए सी एच एस सी और सी ए दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो सीई से मतलब है सेंटर फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सी एल एनि सेंटर फॉर लेबोरेटरी सी एच एस सी यानी सेंटर फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर वही सी ए वी एफ यानि की सेंटर फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ वेटेनरी फैसिलिटीज दोस्तों सीई में हमें देखने को मिलते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज वही अगर हम बात करें सी की दोस्तों तो सीएलए के अंडर हमें देखने को मिलते हैं मेडिकल लेबोरेटरी प्रोग्राम आई एसओ वन फाइव वन एट नाइन टेस्टिंग आधारित रहता है GSR दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों हमें देखने को मिलता है बायो बैंकिंग यानी कि आई एस ओ टू जीरो प्रोग्राम दोस्तों में अगर हम बात करें सी एच एस सी की दोस्तों तो हमें देखने को मिलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग आईवीएफ सेंट प्रोग्राम इसके अलावा दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं जिनमें शामिल है आई एस एके अलावा दोस्तों साथ ही हमें देखने को मिलता है डायलिसिसन हेल्थ केयर फैसिलिटीडिटेशन प्रोग्राम हेल्थ केयर फैसिलिटीज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डब्ल्यू एच ओ पेशेंट सेफ्टी फ्रेंडली हॉस्पिटल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्राइमरी केयर क्लिनिक एकेडिटेशन प्रोग्राम एम्बुलट्री केयर फैसिलिटीडिटेशन प्रोग डिपार्टमेंट तो को, को दोस्तों QI समय प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों एकमात्र ऐसा बॉडी है जिसके दो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है बाकी एन एबीएल सिर्फ हॉस्पिटल या लैब अक्रेडिटेशन प्रोवाइड कर हैं। अभी तक दोस्तों पचास से ज्यादा प्रोवाइड कर चुका है 150 से ज्यादा हैं 50 से ज्यादा हैं 500 से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल हैं और 10 से ज्यादा दोस्तों QAI के इस समय ग्लोबल पार्टनर हैं दोस्तों जानकर ये आपको हैरानी होगी कि ये सारे अचीवमेंट्स आई है सिर्फ तीन साल के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्यू आई की शुरुआत हुई थी साल 2018 में इसके बाद दोस्तों अगर हम क्यू आई के क्लाइंट्स की बात करें तो इनमें शामिल हैं कुछ फेमस और बड़े नाम जैसे कि पोर्सिया मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु डेली चेन्नई डायलिसिस सेंटर मेटास एडवेंटेस्ट हॉस्पिटल सूरत मिडिलइव स्पेशलिटी लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग एलोई डायग्नोस्टिक्स एर्नाकुलम नारायण नेत्रालय इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड लेबोरेटरी सर्विसेज बेंगलुरु मैक्स एट होम गुरुग्राम गार्डियन एंजल होम केयर एरनाकुल महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल बेंगलुरु दिवाकर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेंगलुरु डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस मेडी प्रोडक्टिव प्राइवेट लिमिटेड सोहना हेल्थ केयर एट होम डेली एनसीआर चंदन हॉस्पिटल लखनऊ और दोस्तों अभी रिसेंटली इंदिरा आई सेंटर हिसार ने भी के लिए अप्लाई किया है दोस्तों क्यूसीआईटेशन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश भर में अपनी अक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन सर्विसेज को पहुंचा रहा है दोस्तों तो अगर आप अपने हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को क्यू के द्वारा क्रेडिटेड कराना चाहते हैं तो दोस्तों आप www.qai.org.in पर जा सकते हैं और अलग अलग सर्टिफिकेशन और क्रेडिटेशन बॉडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों क्यू सेक्रेटेरिएट हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर जिनमें शामिल है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार राणा सर एस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सुमित वाधवा एस असिस्टेंट मैनेजर और मिस रेशमा एज अक्रेडिटेशन ऑफिसर वही दोस्तों अगर हम बात करें सी एच एस सी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलती है गवर्निंग बोर्ड उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं चेयरमैन चेयरमैन और सीईओ के बीच में यहाँ पर दोस्तों अपील पैनल हमें देखने को मिलता है सीईओ की बात करें तो दोस्तों सीईओ के लेफ्ट हैंड पर दोस्तों हमें देखने को मिलती है टेक्निकल कमिटी वही राइट right हैंड पर हमें देखने को मिलती है दोस्तों अक्रेडिटेशन कमिटी वही सीईओ के अंडर में दोस्तों हमें और देखने को मिलते हैं अक्रेडिटेशन ऑफिसर और अकाउंट एंड स्टेच्यूटरी कम्प्लाइंसेस वही अक्रेडिटेशन ऑफिसर के दोस्तों अंडर में हमें देखने को मिलते हैं पैनल ऑफ असेसर्स या फिर एक्सपर्ट फ्रेंड्स क्यू बहुत तेजी से इंडिया में आगे बढ़ा है और आने वाले समय में हमें क्यू ए आई के नाम एनिबीएच जैसी जैसीडिटेशन बॉडीज के साथ भी देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो क्यू आई के ऊपर आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें आपके मन में वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ धन्यवाद